नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम एग्जामिनेशन सेंटर से डायरेक्टली जो है रिव्यू ले रहे हैं। ये आरडीएस कॉलेज से जो है हम वीडियो को शूट कर रहे हैं और हमारे साथ जो है मनीष मौजूद है, जिनको आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इन्होंने अभी अभी जो अपना एग्जामिनेशन दिया है और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग का सवाल आ रहा होगा, जो जिन्होंने अभी तक अपना कोई सा भी पेपर नहीं दिया होगा, कि ओएमआर शीट कैसा देखने को मिला है। तो ओएमआर शीट में मनीष जी, आपको ज़्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा? इस वाले ओएमआर शीट में एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन बहुत ज़्यादा ईजी था, और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने के कारण अच्छे से भर भी पाए और काफी कम कॉलम था बढ़ने के लिए। ओके। तो मतलब इनकी जैसी एक्सपीरियंस रही कॉपी से कि भाई जो ओएमआर आपको पहले पन्ने पे देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा आसान था, आपको ज्यादा झंझट इसमें नहीं करना होगा। यानी 10 जगह जो पहले भरते थे, भाग एक में भरो, भाग तीन में भरो, फिर चार में भरो, वैसा चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं इनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था यूट्यूब पे, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चूंकि लगाया था, तो उसमें से कितना हेल्प मिला है? जी, आपके टॉप 10 जो गेस क्वेश्चन थे उसमें से 10 में से 7 आउट ऑफ 10 थे, मतलब 10 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आए हैं। और क्वेश्चन बैंक का भी आपका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्वेश्चन बैंक में से तो यू काउंट तो 9 आउट ऑफ 10 थे। ओके। तो मतलब क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और जो आज का पहला जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका, कौन सा ऑनर्स था ये भी जी? मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हुआ। ओके। इनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। और मैंने जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले यानी कि अकाउंटेंसी वाले जो भी स्टूडेंट है उनसे मैंने जो भी सवाल करे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, उन्होंने बोला है कि लगभग थ्योरीज जो थी वो प्रीवियस ईयर से पूछी गई है, प्रैक्टिकल में 2015 के प्रैक्टिकल उन्होंने उठाए हैं और दिए हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको देखना चाहिए, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलता है। तो आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर देख करके जाओ और पढ़ के जाओ, देखना ही नहीं सिर्फ आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। और आपको ओएमआर शीट में कितना ज़्यादा टाइम लगा ये आप बता सकते हैं? ओएमआर शीट में 5 या 10 मिनट लगा, मतलब वो अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, वरना वो इस वाले ओएमआर शीट में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, आराम से 2 मिनट में भर। ठीक है। और जो कॉपी आपको देखने को मिली वो जो नोटबुक पे जैसे हम लोग लिखते वैसा है? इस बार मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये चेंज आया है कॉपी में कि इस बार वर्टिकल कॉपी दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के कंपेयर। ओके। और दोनों में पेज नंबर ऑफ पेज उतना ही है, 32 पहले भी आते थे और अभी भी। ओके। मतलब अगर हम पन्ना, जो एक पन्ना होता है वो आपको 16 पन्ना देखने को मिलेगा, टोटल 16 पेजेस जो आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब एक 16 × आप जो है 2 करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, तो आपको जो 32 पेजेस जो है देखने को मिल रहे हैं, है ना। और कॉपी की क्वालिटी कैसी रही, मतलब मोटी कॉपी है या मतलब वो जो थॉक पे जो उठाई जाती है कॉपी वैसी है? कॉपी थॉक पे जैसी है, समझिए तो जैसे हम लोग घर पे जनरली जो मतलब कॉपी यूज करते हैं सेम वैसा ही। ओके। तो मतलब आपको कॉपी भी जो थोड़ा नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, बट लिखने में कैसा रहा कॉपी में, मतलब कोई डिफिकल्टीज आई? नहीं, वो पिछले वाले कॉपी से ज्यादा अच्छा ये वाला कॉपी था, क्योंकि ये वर्टिकल होने के कारण जनरली सभी लोग वर्टिकल कॉपी पे ही लिखते हैं, तो इसका बेनिफिट यहाँ मिलता है। तो आपने कितने पेजेस लिखे हैं ये बता सकते हैं? मैंने 20 पेजेस पूरे अच्छे से लिखे हैं। और मैंने पेज से ज्यादा कंटेंट पे भी ध्यान दिया है। ओके। ठीक है, बस आप लोगों को ये रिव्यू देना इसलिए जरूरी था कि यार ये पहला एग्जामिनेशन था और जो भी स्टूडेंट निकल रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान ही है भाई लोग, और दिक्कतें नहीं आई है स्टूडेंट लोगों को, ओएमआर भरने में भी कोई दिक्कतें नहीं, क्वेश्चंस भी जो है लगभग मिले हैं प्रीवियस ईयर से, जो पढ़ के आ रहा है भाई उनका तो मतलब बल्ले बल्ले है ना, जो नहीं पढ़ के आ रहा है उनको डिफिकल्टीज फेस तो करनी पड़ी। मैं कहूंगा कि कभी भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। और भैया जो जैसा कि बताएं क्वेश्चन बैंक का भी बहुत ज्यादा हेल्प मिला मुझे। ओके, चलिए वीडियो अब थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आपका भी धन्यवाद मनीष जी, जो कि आपने व्यूअर्स को बताया कि एग्जामिनेशन एक्चुअली कैसा गया है और क्या क्या चीज़ें जो है करने को मिला वहाँ पे। और जो भी आपका आरडीएस का जो सेंटर था वहाँ पे, मतलब जो गाइडिंग थी टीचर लोगों की वो काफ़ी बढ़िया थी, क्योंकि मैं जो है पूरा जितना देर एग्जाम चला है सेकेंड सिटिंग उतने देर मैं यहाँ पे था, तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि भाई कोई एक्सपेल्ड वगैरह हुआ, किसी की कॉपी छीनी गई, नहीं नहीं। हाँ, तो मतलब वही है, आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चोरी वोरी नहीं चला है, तो इस पे बस अपने पे बिलीव रखो, अपने पे भरोसा रखो। तो मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यूअर्स आप लोगों का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट दिखाने के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे भी अगले वीडियो में, धन्यवाद।